दोस्तों, कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग सवाल लगाते रहते हैं और हमको लगता है कि कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम बार बार लिखते हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि मैं चार पांच स्टेप स्किप कर दूं और एक्यूरेटली मेरा आंसर आ जाए? तो उसका जवाब जी हाँ, देयर इज सच थिंग अवेलेबल। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट हैं दोस्तों जो कि आपको फटाफट आंसर लाने में हेल्प करते हैं। तो हम उसी के बारे में इन सब वीडियोस में जानेंगे। तो हम लोग एक स्पेशल सीरीज ऑफ वीडियो लॉन्च करने वाले हैं, शॉर्टकट इन फिजिक्स। तो ये उसमें पहला वीडियो है। तो डिपेंडिंग ऑन रिस्पॉन्स, अगर आप लोग ज्यादा रिस्पॉन्स दिखाएंगे, मुझे भी लगेगा कि हाँ, ये इसका कोई मतलब है और लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए बनाने के लिए सोच रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि शॉर्टकट के चक्कर में आप बहुत ज्यादा मत पड़िएगा, एटलीस्ट शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं। जब आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, जैसे लॉज ऑफ मोशन चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों आप पूरा उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए, उसमें समझिए, पूरे कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ आपको आना चाहिए। ठीक, तो भाई मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर खत्म कर लिया है, इसीलिए मैं ये शॉर्टकट सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर खुद से प्रॉपरली खत्म कर लिया है। ठीक, तो आज हम दोस्तों एक ऐसे शॉर्टकट के बारे में जानेंगे जो कि ये स्ट्रिंग पुली जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें कि एक स्ट्रिंग के अलोंग ही सारे मास अटैच होते हैं और हमको एक्सप्रेशन निकालना होता है। ठीक, तो मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिससे आपका आंसर एक स्टेप में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों, तो मैं सीधे सीधे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ता हूं और मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में ऑलरेडी कंफर्टेबल हैं, एटलीस्ट अप टू द स्कूल लेवल। ठीक, तो दोस्तों ये प्रॉब्लम तो आपने देखा ही होगा, ये इनवेरिएबली सबसे पहला क्वेश्चन होता है स्ट्रिंग पुली का। ठीक, तो इसमें आप लोग क्या लगाते हैं, यहां पर हम लोग ग्रेविटी फोर्स दिखा देते हैं, ओके, और यहां पर हम लोग दिखा देते हैं कि भाई ये स्मॉल एम जी लगा हुआ है, ओके, फिर हम लोग टेंशन फोर्स भी दिखाते हैं। ऑल राइट, अब हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या ये जो मैं शॉर्टकट बताने वाला हूं ये अप्लीकेबल है यहां पर। तो दोस्तों जो शॉर्टकट है वो उन सिनारियों के लिए है जिसमें पूरे स्ट्रिंग के अलोंग एक ही स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के अलोंग मास कनेक्टेड है और सारे मासेस जितने भी हैं सबका सेम एक्सेलरेशन है। ठीक, तो यहां पर बिल्कुल वही सिनारियो है, एक स्ट्रिंग है जिसमें दो मास ऐसे लटके हुए हैं और मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन स्मॉल ए है तो इसका भी स्मॉल ए ही होगा। ठीक, तो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो सबका सेम है। तो अब दोस्तों आपको टेंशन यहां पर इग्नोर कर देना है, आपको बस ये देखना है कि इस स्ट्रिंग के अलोंग कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है दोस्तों। ठीक, सिर्फ आपको स्ट्रिंग देखनी है और उसमें एक्सटर्नल फोर्स देखनी है। तो इस स्ट्रिंग में मैं मान रहा हूं कि कैपिटल एम स्ट्रिंग का पार्ट है, स्मॉल एम भी स्ट्रिंग का पार्ट है, तो एम जी लगेगा यहां से और स्मॉल एम जी वहां से लगेगा। ठीक, और कहने को तो ये बेंड है, जो स्ट्रिंग है कहने को ये ऐसे बेंड की हुई है, लेकिन दोस्तों पुली की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि टेंशन को बेंड कर देता है वो विदाउट अफेक्टिंग इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक, तो यहां पर अगर हम देखेंगे अलोंग द स्ट्रिंग जो नेट फोर्स है, आप अगर इसको एज्यूम कर लीजिए स्ट्रिंग बेंड ना होके इस तरह से है, तो इस तरफ से कैपिटल एम जी आप बोल सकते हैं कि तरह से खींच रहा है और इस तरफ से स्मॉल एम जी खींच रहा है दोस्तों, और एक्सेलरेशन इसका ए है, तो आपको इसको इस तरह से ट्रीट करना है। ओके, तो एक्सटर्नल फोर्स दोस्तों हो गया एम जी माइनस स्मॉल एम जी। ठीक, और ये जो है टोटल फोर्स हो गया, ये टोटल मास इंटू एक्सिलरेशन के बराबर हो। तो आपका डायरेक्टली दोस्तों आंसर आ गया कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। ठीक, तो इससे आप लोग ने डायरेक्ट निकाल लिया। अब आप सोच रहे होंगे क्या हम इसको और किसी प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं, तो उसका जवाब बिल्कुल हाँ है। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता। चलिए देखते हैं दो तीन सवाल और इस तरह के जिसमें हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक,
चलो सबसे पहला ये सवाल है, इसमें आप मान लीजिए स्मॉल एम जी यहां है और यहां दोस्तों अलोंग द स्ट्रिंग आप देखेगा अलोंग द इंक्लाइन आता है, तो ये कौन सा फोर्स हो गया, कौन सा कंपोनेंट है ग्रेविटी का, आपने कितनी बार ही किया ही होगा, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा दोस्तों, ठीक। और अगर मैं मान लू, अगर मैं मानू कि ये स्मॉल एम नीचे की तरफ जा रहा है विथ ए, तो कैपिटल एम इस तरह से जाएगा, ठीक। और इफ देर इज अ फ्रिक्शन, यहां पे अगर फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो इस तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा और वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा दोस्तों, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। और नॉर्मल रिएक्शन कितना है भाई, इस सवाल को जिसने लगाया होगा उसको ऑलरेडी पता है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एम जी कॉस थीटा के बराबर है, तो फ्रिक्शन एक तरह से म्यू एम जी कॉस थीटा हो गया, ठीक। अब आप देखिए अलोंग द स्ट्रिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या फोर्स है, आप पाएंगे कि अगर आप इसको ऐसे सोच लें कि ये स्ट्रेट लाइन है पूरी की पूरी स्ट्रिंग, तो यहां से स्मॉल एम जी लग रहा है और इस तरफ से क्या लग रहा है दोस्तों, इस तरफ से अलोंग द स्ट्रिंग एम जी साइन थीटा लग रहा है, ठीक, एक कैपिटल एम जी साइन थीटा लग रहा है और एक फ्रिक्शन भी है यहां पे, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक। तो हमको हालांकि ये स्ट्रिंग बेंड है लेकिन हम इसको एज अ स्ट्रेट लाइन की जैसे यूज करेंगे, कुछ लोग इसको बेंड एक्सिस थ्योरम भी बोलते हैं लेकिन ये इट इज अ वेल नोन थिंग, तो इसको मैं आपके सामने आज प्रेजेंट कर रहा हूं। तो आप देखिए अलोंग द स्ट्रिंग हो गया फोर्स स्मॉल एम जी माइनस कैपिटल एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, ओके। ये जो फोर्स है ये हो जाएगा टोटल मास स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू स्मॉल ए, तो आप देखेंगे यहां पर भी आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू डायरेक्टली आ रही है, आपको एक एक करके फ्री बॉडी डायग्राम बना के टेंशन वगैरह नहीं लिखना है, तो इस तरह से आप डायरेक्टली आंसर ला सकते हैं। तो एक दो सवाल और देख लेते हैं वेरीफाई करने के लिए, ठीक। चलिए अब ये सवाल है, अब आप इसमें देखिएगा ये आपका हो जाएगा 12 केजी मास है, 12 जी साइन 70 डिग्री हो गया, ये मासेस थोड़े से मतलब नॉट सो गुड लुकिंग एज इन इंटीजर टाइप्स नहीं है, 3.75 जी साइन ऑफ 45 डिग्रीज हो गया ये, ठीक। मैं फ्रिक्शन यहां पे एब्सेंट मान रहा हूं, अगर आपको फ्रिक्शन कंसिडर करना है तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं, आपको पहले यहां पे ये एक्सप्रेशन ले लेना है, सबका एक्सप्रेशन सेम होगा, ये कंडीशन है इस पर्टिकुलर शॉर्टकट को लगाने के लिए, सब मासेस का जो है एक्सप्रेशन सेम होना चाहिए, एक स्ट्रिंग में ऐसा लगना चाहिए कि कनेक्टेड है, ठीक। तो फ्रिक्शन को आप लगाना चाहेंगे तो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां ऐड कर लीजिए, वो हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, यहां पर हो जाएगा म्यू इंटू 12 जी कॉस ऑफ 70 डिग्रीज, और इस तरफ जो फ्रिक्शन आएगा वो पीछे की तरफ आएगा, ये आएगा म्यू इंटू 3.75 जी कॉस ऑफ 45 डिग्रीज, ठीक। दोनों का मैंने कोफिशिएंट फ्रिक्शन सेम लिया, आप डिफरेंट भी ले सकते हैं, ये म्यू वन ले लीजिए, ये म्यू टू ले लीजिए। तो यहां पर हम डायरेक्टली चलो लिखते हैं दोस्तों एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है, अलोंग द स्ट्रिंग आप देखिए जो फोर्स है 12 जी साइन ऑफ 70 हो गया माइनस म्यू इंटू म्यू वन इंटू 12 जी कॉस ऑफ 70 हो गया, ठीक, माइनस 3.75 साइन ऑफ 45 हो गया एंड माइनस म्यू टू 3.75 जी कॉस ऑफ 45 डिग्रीज हो गया, ठीक। आप देखेगा कि जो 5.5 केजी वाला जो मास है उसका कोई भी कंपोनेंट ग्रेविटी का अलोंग द स्ट्रिंग नहीं आ रहा है, तो ये हो गया आपका अलोंग द स्ट्रिंग कितना फोर्स है, फोर्स को आप मास से डिवाइड कर दीजिए, आपका डायरेक्ट दोस्तों यस डायरेक्ट आपका आंसर आएगा एक्सेलरेशन का, ये एक्सेलरेशन का आंसर है, ठीक। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, ये रहा एक और सवाल, इसमें हम लोग फटाफट आंसर लिख देंगे दोस्तों, ठीक। तो आप लोग इस वीडियो को चाहिए तो पॉज कर लीजिए और
फटाफट आंसर लिख के देखिए कि आ रहा है कि नहीं। यहां पर होगा M3G, ठीक। अब B का जो ग्रेविटी वाला फोर्स है अलोंग द स्ट्रिंग हो जाएगा M2G साइन ऑफ 36.9 डिग्रीज, ठीक। और एक्सेलरेशन तो हम ऐसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक्सेलरेशन A है, फ्रिक्शन भी लगेगा इसमें, ओके। तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो म्यू M2G कॉस ऑफ 36.9 डिग्रीज, ठीक। अब A का जो ग्रेविटी है वर्टिकल है, लेकिन यहां पर आप फ्रिक्शन ले सकते हैं, फ्रिक्शन आप यहां पर लिखेंगे म्यू, आप यहां पर म्यू वन ले लीजिए, ये हो जाएगा म्यू टू, म्यू टू इंटू नॉर्मल रिएक्शन यहां पर कितना है M1G, सो म्यू वन M1G, ठीक। तो अब दोस्तों यहां पर एक्सेलरेशन हम डायरेक्टली लिख देंगे, तो जो एक्सेलरेशन होगा दोस्तों अलोंग द स्ट्रिंग जो फोर्स आ रहा है M3G माइनस M2G साइन ऑफ 36.9 डिग्रीज माइनस म्यू वन M2G कॉस ऑफ 36.9 डिग्रीज माइनस म्यू टू M1G डिवाइडेड बाई पूरा मास जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है M1 प्लस M2 प्लस M3। तो इसको आप एक बार फ्री बॉडी डायग्राम एक एक करके आप तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना के फाइनल आंसर निकाल के चेक भी कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से आप देखेगा कि आपका आंसर पलक झपकते आ रहा है, ठीक। लेकिन मैं अगेन आपको बोलूंगा कि अगर आपने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर प्रॉपरली नहीं किया है, पहले आप खुद से सारे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, और हमारे पास ढेर सारे शॉर्टकट्स हैं। तो अगर आपको ये शॉर्टकट पसंद आया है तो आप जरूर इसको लाइक और कमेंट करिए, और बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स अगर मुझे लगता है कि अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो मुझे भी थोड़ा एनर्जी आएगी कि मैं और आपको शॉर्टकट लेके आऊँ, ठीक है। थैंक यू।